आईआर स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंस जानना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन के बीच में हम लोग आज डिफरेंस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन तीनों में डिफरेंस करना एकदम इजी सॉल्व में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीनों में डिफरेंस जानना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में बता दिया था, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं, नाउन उसे बोलते हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वो सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आती है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन होती है। तो सिंपल सी बात, नाउन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे लखनऊ, कानपुर, राम, श्याम, इलेक्ट्रिसिटी, एयर, वाटर, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। मार्कर क्या है, नाउन है। तो आइए कुछ उसके टाइप में डिफरेंस करना सीखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा, पर्टिकुलरली नेम। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है पर्टिकुलर नेम, जैसे शिवम, श्याम, राज एक्सेट्रा। पर्टिकुलरली क्या आता है, नेम आएगा शिवम, राम, श्याम एक्सेट्रा, यानी कि किसी का अगर नाम है, अगर उसको उस नाम से जानेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब होता है किसी को उसी नाम से संबोधित करना ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर क्या है, बॉय, गर्ल, सिटी, पार्क, स्टेडियम। जैसे बॉय है, बॉय ये जो बच्चे ऊपर नाम लिखे हैं शिवम, श्याम, राज, ये सब बॉय के अंतर्गत आएंगे, तो इनको हम बॉय बोलते हैं। तीनों में से किसी का भी सबने कॉमनली यूज कर सकते हैं बॉय। यहाँ पे अगर तीन डिफरेंट लड़कियों के नाम लिखे होते तो गर्ल बोल देते, सिटी के नाम लिखे होते तो हम लोग कोई सिटी बोल देते, अगर पार्क के नाम लिखे होते तो पार्क बोल देते, और स्टेडियम के नाम लिखा होता तो हम लोग सिंपली स्टेडियम बोल देते। फिर आते हैं लास्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, नाउन्स आर वर्ड्स फॉर सिंगल थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पर्सन। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो यूज होता है मोर देन वन पर्सन, जहां पे एक से अधिक पर्सन की बात आती है वहां पे कलेक्टिव नाउन आता है। प्लेस, एक से ज्यादा प्लेस के लिए कलेक्टिव नाउन। एनिमल, एक से ज्यादा एनिमल के लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। जैसे हर्ड, हर्ड मतलब होता है समूह। एनिमल, थिंग, बंचेस, बंचेस मतलब गुच्छे होते हैं। आइडिया, ये सब क्या आता है कलेक्टिव नाउन के अंदर, जैसे क्राउड हो गया, स्टाफ हो गया, क्लास हो गया, बंडल हो गया और स्टिक हो गया। ये तीनों चीज कैसे अंदर आती हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। We'll be right back.